हजारीबाग पुलिस साइबर फ्रॉड करने वाले चार अपराधियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। इसी क्रम में हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि प्रतिबिंब ऐप पर एक नंबर पर शिकायत दर्ज था। उक्त नंबर हजारीबाग जिले के कुर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत सक्रिय है, ऐसी सूचना मिली थी। तत्पश्चात वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार टीम का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्य की मदद से पुराना मुफस्सिल थाना से आगे कुछ दूरी पर दो व्यक्तियों से पूछताछ किया गया तथा नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम नीतीश कुमार एवं अरविंद कुमार बताया एवं तलाशी के क्रम में दोनों के पास से चार मोबाइल एवं विभिन्न कंपनी के कई सिम पाए गए। उक्त व्यक्तियों पर संदेह होने पर कड़ाई से पूछताछ करने पर इनके द्वारा विभिन्न कंपनियों के बैंक खाते से पैसा मंगवाना एवं भेजने की बात बताई गई। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि इस काम में इन दोनों के अलावे दो व्यक्ति और हैं जो मंटू लॉज के कमरा नंबर 16 में रहते हैं। तत्पश्चात अविलंब टीम के द्वारा मंटू लॉज प्रस्थान कर उक्त दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिन्होंने पूछताछ के क्रम में अपना नाम राजा रमन कौशिक एवं सैफ रियाज उर्फ सिबू बताया। इनके कमरे के तलाशी के क्रम में विभिन्न आपत्तिजनक सामान बरामद की गई, जिसमें विभिन्न कंपनियों का 10 मोबाइल, विभिन्न कंपनियों का 36 सिम कार्ड, विभिन्न बैंकों का 37 डेबिट क्रेडिट कार्ड, विभिन्न बैंकों का 12 पासबुक, चेकबुक, एयरटेल फाइबर राउटर, एक अपाची बाइक, एक महिंद्रा एक्सयूवी कार बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा 50 से अधिक बैंक खातों में ये पैसे प्राप्त करते हैं और फिर उसे एटीएम से निकाल लेते हैं। उसके बाद उनके पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश के अनुसार सारा पैसा सीडीएम के माध्यम से देश के कई राज्यों से बैंक खातों में जमा कर दिया जाता है। ये पिछले कुछ दिनों से हजारीबाग जिले के कुर्रा थाना क्षेत्र में रहकर उक्त कार्य को कर रहे थे। झारखंड सरकार द्वारा और झारखंड पुलिस द्वारा हाल ही में एक प्रतिबिंब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें पूरे भारतवर्ष में यदि कोई साइबर क्राइम होता है तो उसमें जो भी मोबाइल नंबर यूज होता है उससे संबंध में डिटेल्स उस प्रतिबिंब पोर्टल में अपलोड संबंधित राज्यों के पुलिस द्वारा किए जाते हैं। उसी कड़ी में 28 नवंबर 2023 को पंजाब पुलिस द्वारा करीब 1,63,000 रुपये के फाइनेंशियल फ्रॉड का डिटेल अपलोड किया था और उससे संबंधित जो मोबाइल नंबर लिंक था उस मोबाइल नंबर का लोकेशन हजारीबाग जिले में था, तो उस मोबाइल को ट्रैक करने के लिए और उससे संबंधित लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए हम लोगों ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें कोरा थाना प्रभारी और हमारे सदर इंस्पेक्टर ललित कुमार शामिल थे। इस टीम ने इस नंबर को ट्रैक करते हुए पहले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, उनके पास से कई सारी आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई, कई सारे मोबाइल और सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं और उनकी जब हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ की है, उनके कड़ाई के पूछताछ के बाद इन्होंने बताया कि इनके और सहयोगी मंटू लॉज कोरा में रह रहे हैं, तो वहाँ जब छापेमारी की गई तो और दो लोगों को हम लोगों ने वहाँ से गिरफ्तार किया। जब हम लोगों ने उनके रूम की सघन तलाशी ली, उनकी पर्सनल बॉडी तलाशी ली, उस दौरान कुल मिलाकर के हम लोगों को जो 10 मोबाइल से जो ड्यूअल सिम मोबाइल से वो बरामद हुए हैं, उसके अलावा 36 विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं, 37 डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स हम लोगों ने बरामद किए हैं, साथ ही 12 विभिन्न बैंकों के चेकबुक्स और पासबुक हम लोगों ने बरामद किए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मोबाइल उस पंजाब वाले फ्रॉड में यूज हुआ था वो भी हम लोगों ने बरामद करने में सफलता अर्जित की है। इसके अलावा एक बाइक और एक एसयूवी फोर व्हीलर व्हीकल हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इन लोगों का जो हैंडलिंग हो रहा था, जो पैसा आ रहा था, ये पाकिस्तानी नंबर से ये लोग गाइड हो रहे थे, डायरेक्ट हो रहे थे। लगातार इनके अकाउंट में जो पैसा आ रहा था ये पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा कन्फर्मेशन उसका लिया जा रहा था और आगे इस पैसे को कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, उसके बारे में उस नंबर द्वारा इनको गाइड किया जा रहा था। बेसिक पूछताछ में अब तक इनके द्वारा बताया गया है कि करीब 50 म्यूल अकाउंट्स, जो कि भाड़े के अकाउंट्स होते हैं बैंक के, वो अकाउंट्स ये लोग हैंडल कर रहे थे और उन्हीं म्यूल अकाउंट्स में पैसा आता था। वो
उस पैसे को इनके द्वारा एटीएम से कैश में निकाला जाता था और बाद में उसी पैसा को कुछ कमीशन रखते हुए बाकी पैसों को सीडीएम के माध्यम से देश के विभिन्न बैंकों में डिपॉजिट किया जाता था। तो ये हम लोग को लग रहा है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है, इसका इंटरनेशनल कनेक्शन है इंटर स्टेट रैमिफिकेशन से। तो हम लोग इसमें काफ़ी गंभीरता से जांच कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जब हमारी जांच पूरी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मॉड्यूल सामने आने की हम लोग को लगता है कि एक अपेक्षा हम लोग रख रहे हैं अभी। और ये जो प्रतिबिंब पोर्टल से शुरू हुई ये कहानी है, मुझे लगता है एक बड़ा मॉड्यूल ओपन करके रहेगी और झारखंड पुलिस की मैं समझता हूँ एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये अगर पोर्टल झारखंड पुलिस द्वारा लॉन्च नहीं किया जाता तो इस तरह के जो मॉड्यूल्स पूरे भारतवर्ष में एक्टिव है उनका उद्भेदन शायद नहीं हो पाता। और इससे पूर्व में भी हम लोगों ने प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से करीब 50 विभिन्न लोगों को अब तक जेल भेजा जा चुका है और करीब 100 से अधिक सिम कार्ड हम लोगों ने बरामद किए हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव झारखंड पुलिस द्वारा किया गया है और ये केवल पिछले एक माह की उपलब्धि है। आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी तो हम लोग निश्चित रूप से झारखंड को एक जो धब्बा लगा हुआ है साइबर क्राइम को लेकर के, इसको मिटाने में सफल और हम लोग मुझे लगता है कि कामयाब होंगे। सर, पाकिस्तान जैसे ये 50 अकाउंट्स म्यूल अकाउंट्स इनके द्वारा हैंडल किए जा रहे थे, इसमें हर घंटे में लगातार पैसा आता था और हर ट्रांजैक्शन के बाद पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता था जिससे कि पैसा आने का कंफर्मेशन लिया जाता था और हर घंटे में फिर पैसा का एटीएम से निकासी करके सीडीएम के माध्यम से उस पैसा को देश के विभिन्न अकाउंट्स में डिपॉजिट किया जाता था। तो अभी फिलहाल ये पाकिस्तानी कनेक्शन यहाँ तक हम लोग को लग रहा है ये है, परंतु हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तानी कनेक्शन इससे भी अधिक व्यापक स्तर पे होगा और उसकी क्या उसमें क्या इनका रोल है, क्या इनकी अहमियत है, वो हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आपको बता पाएंगे। सर, क्या अपील? मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि यदि आपके पास कोई व्यक्ति आते हैं कि आपका अकाउंट हमें कुछ दिन चलाने के लिए दे दीजिए, हम लोग आपको 5,000-10,000 पर मंथ दे देंगे, तो कृपया इस झांसे में नहीं आए। कई बार ये अकाउंट्स म्यूल अकाउंट्स के रूप में यूज़ होते हैं, उसमें गलत कामों से आया हुआ पैसा आने और जाने के लिए उन अकाउंट्स को यूज़ किया जाता है और अल्टीमेटली जो जिम्मेदारी फिक्स की जाती है वो अकाउंट ओनर की जिम्मेदारी फिक्स की जाती है पुलिस के द्वारा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आपके पास यदि भाड़े का अकाउंट मांगने के लिए आता है, कृपया करके आप उस तरह के अकाउंट्स किसी को नहीं दे, अपने अकाउंट का एक्सेस किसी के पास नहीं दे। और साथ ही जो लॉज यहाँ संचालित हो रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनको भी मैं अपील करूँगा कि आप भी अब आपके लॉज में जो बच्चे रह रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन निश्चित रूप से कराएं ताकि इस तरह की जो बातें हैं ये हमारे सामने आ जाए और समय रहते हम लोग उसमें